Hello my dear students, myself Saloni Singh, welcome back to my class. So my dear students, I hope aapne previous ke 3 videos dekhe honge, acche se samjhe honge, apne notes banaye honge, tabhi hum aage ke topic pe padhenge kyunki har topic piche wale topic se link hota hai. So I hope you understand this thing aur is cheez ko continuity mein aap practice karenge. Sirf is chapter ke liye nahi, har chapter ke liye aapke khud ke jo personal notes hote hain, aapne khud jo apni handwriting mein likha hota hai, वो नोट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहते हैं. अगर आप दूसरी बार भी रिवाइज करोगे तो वो चीजें रिकॉल होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा राउल्ट स्लॉ. खत्म करने के बाद हमारे पास दो कंडीशन आती है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो वो दो तरह की डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. और उसके बाद हम बात करेंगे एजियोट्रोप्स का, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन ऑन दैट पॉजिटिव नोट. तो आपको अच्छे से पता है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है. देखिए इस साइड हम आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक कंपैरिजन चार्ट हम बना लेते हैं दोनों के बीच में. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन इट ओबेज राउल्ट्स लॉ, इट ओबेज राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए होता है, एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी होता है ना. अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन की खास बात यह है कि अगर मैंने कॉम्पोनेंट ए और कॉम्पोनेंट बी को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद न हीट एनर्जी इवॉल्व हुई न हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, यानी चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू जीरो. अच्छा ओके, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो. इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये आपका 10 ml था, ये भी आपका 10 ml है, तो मिक्स करने के बाद ये मिला के 20 ml हुआ, है ना. ना वॉल्यूम कम हुआ ना वॉल्यूम ज्यादा हुआ, वॉल्यूम सेम रहा, इसीलिए चेंज इन द वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज जीरो. अच्छा, तो ये कंडीशन हो गई हमारी, चार कंडीशन लिख दी. पांचवी कंडीशन ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन. यानी कि अगर मैंने, ऑफ कोर्स बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट ए है मान लीजिए सॉल्यूट, कंपोनेंट बी है मान लीजिए सॉल्वेंट, तो ये सॉल्यूट सॉल्यूट का जो इंटरैक्शन होगा, और जो सॉल्वेंट मतलब इस कंटेनर में सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन होगा, ए ए के साथ इंटरैक्ट कर रहा है क्योंकि दोनों पूरा कंटेनर सिर्फ उसी से भरा हुआ है, तो ए से इंटरैक्ट करेगा ना, है ना. मैंगो की डाली में मैंगो मैंगो से इंटरैक्ट करेगा, मैंगो एप्पल से थोड़ी करेगा, है ना. तो यहाँ पे बी बी से इंटरैक्ट करेगा, तो ये सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ इंटरैक्शन, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्शन. लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, सारे फ्रूट्स को मिक्स कर दिया जाएगा, तो एप्पल के अंदर भी बनाना का टेस्ट आएगा, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट एक नया इंटरैक्शन डेवलप होगा. ओके, तो ये जो सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है, दैट इज फाउंड टू बी इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन. बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था, उतना ही स्ट्रांग बाद में भी बन गया. ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल सॉल्यूशन ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज का हो और दोनों की पोलैरिटी भी आइडेंटिकल हो. फॉर एग्जाम्पल, लगभग सेम होनी चाहिए. तो इसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर आप एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन अप्रोक्सीमेटली सेम है मोलार मास. ठीक है, दूसरा ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन. ठीक है, ओके, ये एग्जाम्पल ले लिया आपने. अच्छा, यूजुअली जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन जितना ज्यादा डाइल्यूट होता है, उसका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं. बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये आइडियल है तो नॉन आइडियल क्या होगा? तो सारी चीजें इसकी ऑपोजिट लिख दीजिए. इट ओबेज, इट डू नॉट ओबेज, इट
Raoult law. Do not obeys Raoult's law. And then आगे का statement सब वही लिखना है आपको similar. ठीक है. It do not obeys Raoult's law over entire range of temperature and pressure. यहाँ पे PA naught will not be equal to PA naught chi A. PB will not be equal to PB naught chi B. Enthalpy of mixing will not be equal to zero. And change in the volume after mixing will not be equal to zero. Solute-solute and solvent-solvent interaction will not be equal to solute-solvent interaction. अच्छा, तो ये ऐसा show करता है, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर ये follow नहीं कर रहा है ideality को, तो या तो उससे ज़्यादा होगी चीज़ें, या तो उससे कम होंगी, है ना? ये जो condition है, इससे या तो ज़्यादा होंगी, या तो कम होंगी, यानी अगर solution आपका non-ideal है, तो वो दो तरह के deviation show करता है. एक है positive deviation from the Raoult's law और दूसरा है negative deviation from the Raoult's law. तो हम इनमें भी comparison कर लेते हैं positive और negative deviation, क्योंकि कई बार board exams में क्या आता है, इन दोनों के बीच में difference आता है. तो हम comparison करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेगा. चलिए start करते हैं. Yes, तो बच्चा देखिए positive और negative deviation देख लेते हैं. Positive deviation कब होता है? जब partial vapor pressure of each component is higher than as expected according to the Raoult's law. तो Raoult's law के हिसाब से क्या था? PA is equals to PA naught chi. पर हम क्या बोल रहे हैं? Individual component का vapor pressure high है. यानी कि PA is greater than PA naught chi, PB is greater than PB naught chi B. अब ऐसा हुआ क्यों? ये तो बहुत बड़ा question mark है ना? है ना? तो ये देखते हैं होता क्या है exactly. मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. चलिए एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल हेक्सेन का एंड इथेनॉल का. बच्चा ध्यान से देखिएगा, है ना? इथेनॉल यानी C2H5OH, यानी C2H5O और H है, ठीक है? अब ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा C2H5 का, C2H5, उसके ऑक्सीजन के साथ O और H, उसके ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा. यानी कि ये अगर आपका कंपोनेंट A है और ये अगर आपका कंपोनेंट B है, इनिशियली दोनों सेपरेट हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको BB इंटरेक्शन बोलेंगे आप, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो AA इंटरेक्शन बोलेंगे आप. इंडिविजुअली दोनों के इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? क्योंकि हेक्सेन भी एक लंबी चेन होती है, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा, तो वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा. ओके, दोनों का इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग है. अच्छा, तो जब हमने दोनों को मिक्स किया तो एक नया इंटरेक्शन डेवलप हुआ, दैट इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. और ये जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो इंडिविजुअल के कंपेरिजन में वीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था. अब अगर ये नया बॉन्ड स्टैब्लिश करता तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, ठीक है? तो ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक है. यानी कि मैं स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकती हूँ, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, है ना? सो पहले देखिए, जो कंटेनर फर्स्ट था ये कंटेनर सेकेंड था, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा कंटेनर आ रहा है ए बी और सी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तीनों केस में क्योंकि पहले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, अगर बॉन्ड इंटरनल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या वो रेडीली वेपर फेज में कन्वर्ट होगा? अगर अंदर अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या आप बाहर निकलोगे? नहीं निकलोगे ना. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर लो था, ठीक है? यहाँ पे भी वेपर प्रेशर लो था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड करके वो लिक्विड फेज में खुश थे. जैसे ही दोनों को मिक्स किया, इन दोनों का बॉन्ड जो है वो वीक है, और अगर बॉन्ड वीक है तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल लिक्विड से वेपर फेज में एस्केप करेंगे. ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अगर लिक्विड से वेपर फेज में एस्केप करेंगे तो जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है इंडिविजुअल कंपोनेंट का, वो राउल्ट्स लॉ के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हाई आएगा. आएगा कि नहीं आएगा, है ना? ओके, चलो बहुत ही बढ़िया. अच्छा, अब दूसरी चीज सीखते हैं इसमें, वो क्या है? जब आप ए ए और बी बी से ए बी इंटरेक्शन पे आ रहे हैं तो बॉन्ड वीक है, यानी कि लूजली हेल्ड है. अगर लूजली हेल्ड है तो मतलब क्या हुआ? दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्योंकि ये पार्टिकल लूजली हेल्ड है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना.
ए और बी का इंटरेक्शन वीक है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, इसीलिए इस केस में आप क्या लिखोगे, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ वी मिक्स, मिक्स करने के बाद क्योंकि लूजली हेल्ड है इसीलिए वो लूजली हेल्ड है तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा. ओके, इन द सेम वे होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब होती है और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, वो भी जीरो से बड़ा हो जाएगा तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्स विल आल्सो बी पॉजिटिव इन द पॉजिटिव डेविएशन. ओके, अच्छा इतना तो हमने पढ़ लिया. अब यही सारी चीजें हम नेगेटिव डेविएशन के लिए देखें तो नेगेटिव डेविएशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन होता है दैट इज लोअर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, यानी इसी हिसाब से आपको दिखाना है. तो पी ए इज लेस देन पी ए नॉट का ये, PB is less than PB not pi B, है ना. अच्छा अब इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का. ओके, अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अगर आप लेते हैं, है ना, CHCl3 is क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन is CH3COCH3. ओके, ध्यान से देखते हैं. पहले इन दोनों के पास किसी भी किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. ओके, यानी ये अगर सल्यूट है और ये अगर सॉल्वेंट है तो इनका खुद के साथ इंटरैक्शन बहुत वीक है. ठीक है, सो बीबी इंटरैक्शन एंड एए इंटरैक्शन इज फाउंड टू बी वीकर एज कंपेयर टू एबी इंटरैक्शन. यानी जब इन दोनों को मिक्स कर दिया, ए और बी कॉम्पोनेंट को मिक्स कर दिया एक कंटेनर के अंदर, तब जो इसके और इसके बीच में बॉन्ड डेवलप हुआ वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाया गया, है ना. कैसे स्ट्रॉन्ग पाया गया वो भी देख लेते हैं. यस, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो क्या रहा है, ये आपका CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये है CH3. इधर है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन यहां पे रहेगा, यहां पे C रहेगा, Cl. हो क्या रहा है, जब ए बी नया इंटरैक्शन डेवलप हुआ तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसीटोन का ऑक्सीजन, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है. यानी कि जो नया इंटरैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो एक दूसरे से अलग होंगे, नहीं होंगे. क्या वो एक दूसरे से जल्दी अलग होंगे, नहीं होंगे. अगर वो एक दूसरे से जल्दी अलग नहीं होंगे तो क्या वो रेडिली एस्केप कर पाएंगे. अगर ए बी साथ में है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो रेडिली एस्केप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. अगर वो रेडिली एस्केप नहीं करेंगे तो प्रेशर लो होगा कि नहीं होगा, होगा ऑफ कोर्स, इसीलिए प्रेशर यहाँ पे आपका लो हो जाता है. अच्छा ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड, नया जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ तो वो ज्यादा क्लोजली हेल्ड होंगे, बहुत पास पास होंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. यानी कि इस केस में जो आप वहां पे लिख रहे हैं डेल्टा वी मिक्स, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, जीरो से कम हो जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे नया बॉन्ड डेवलप हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट इज रिएक्शन विल बिकम एक्सोथर्मिक, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विल बिकम एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच मिक्स विल ऑल्सो बिकम नेगेटिव. यस माई डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो ये हो गए कुछ मेजर डिफरेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बीच में. अब इन दोनों का ग्राफ भी देखना है हमें. आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने ग्राफ देखा था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देखकर आइए. पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ अभी हम फटाफट बना लेते हैं और उसके साथ लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. अगर इतना आप कर देते हैं 5 मार्क्स आपके पक्के हैं राउल्ट्स लॉ में. राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन अलॉन्ग विथ ऑल दीज पॉइंट्स एग्जाम्पल्स एंड ग्राफ, यू विल गेट द फुल स्कोर. लेट्स डू इट. तो नॉर्मल केस के लिए पहले ग्राफ हमने कैसा बनाया था और इस केस के लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे वो फटाफट देख लेते हैं. तो आपको अच्छे से पता है आप इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, और इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन, इधर हम वेपर प्रेशर डिनोट करते हैं, यानी प्रेशर डिनोट करते हैं, एंड प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इट गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन. अगर सॉल्यूशन आपका बाइनरी है तो ये अगर मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, इधर जीरो होगा, इधर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा पी नॉट ए, है ना, यही सीखा है हमने. और ये क्या है आपका पी ए. अगर मैं काई बी लेती हूँ तो काई बी इधर जीरो होगा और काई बी इधर 1 होगा,
और आपको इसको रिप्रेजेंट कर देना है, यहाँ देखिए धप से जाएगा है ना, ओके, और फिर आपने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया था है ना, ओके। लेकिन अब तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर टोटल है, इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर हाई है ना, एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो अगर पहला एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन था तो अब वो चीज बढ़ गई है, देखिए इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, इतना बढ़ गया है पीए के लिए। वैसे ही ये पीबी है तो पीबी के लिए भी ये चीज इतनी बढ़ गई है। अगर पीए और पीबी बढ़ गया है तो पी टोटल भी बढ़ जाएगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये इंक्रीज वेपर प्रेशर के हिसाब से आपने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बना दिया। आई होप यू आर क्लियर, ओके। वैसे ये नेगेटिव डेविएशन के लिए यही चीज बना दीजिए, ये लीजिए इस तरह से, इसको मारिए यहां तक, इसको लेके आइए यहां तक, इसको स्ट्रेट लाइन मारिए ऐसे है ना, और इधर लिख दीजिए काई ए इज इक्वल टू जीरो, काई ए इज इक्वल टू वन, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काई बी इज इक्वल टू जीरो, काई बी इज इक्वल टू वन, इधर प्रेशर डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया पी नॉट ए, ये हो गया पी नॉट बी, यहां पे भी हो गया पी नॉट बी, यस ओके, ये हो गया आपका पी ए, ये हो गया आपका पी बी। नेगेटिव डेविएशन में ओवरऑल वेपर प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टप 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 टप, लेस इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट का कम हुआ। अगर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट का कम होगा तो पी टोटल भी ओवरऑल कम हो जाएगा है ना। सो ये हो गया आपका पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आई होप यू आर क्लियर, यस। अच्छा इतना कर लिया, अब लास्ट क्या लिखना है आपको, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए H2O plus C2H5OH, दो दो भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो इट्स ऑल राइट। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टेक्स्ट बुक में जितने एग्जाम्पल दिए उतने आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए नॉर्मल हेक्सेन प्लस इथेनॉल यानी C2H5OH, यहाँ पे लिखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटोन, सम मोर एग्जाम्पल्स यू कैन एड, ओके। पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, पर वो करने से पहले हमें, अच्छा यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, एसिटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और नेगेटिव डेविएशन के अंदर आप लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, वाटर प्लस HCl है ना, वाटर प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ओके। चलिए बहुत ही बढ़िया से हमने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कंप्लीट किया माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज के सेशन का लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, और वो किस तरह की डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं, यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये समझना जरूरी है एजियोट्रोप्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई दो लिक्विड मिक्स करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया है, ठीक है, इथेनॉल को और वाटर को मिक्स किया है इस तरह से कि उसके अंदर इथेनॉल 95.5% बाय मास है, ठीक है। अगर इस कॉम्पोजिशन में मैं इथेनॉल को वाटर के अंदर मिक्स करती हूँ तो होता क्या है, यूजुअली आप जब इथेनॉल को बॉइल करते हैं तो वो 351.3 केल्विन पे बॉइल होता है, और वाटर को बॉइल करते हैं तो 373 केल्विन पे बॉइल होता है। लेकिन अगर आपने एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाया है इथेनॉल और वाटर को 95.5% बाय मास इथेनॉल मिक्स करके, तो ये दोनों कॉम्पोजिशन सेम टेम्परेचर पे बॉइल होंगे, वो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, एक सिंगल प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, उसे बोलते हैं एजियोट्रोप। मतलब द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, यानी यहाँ पे कौन है मिक्सचर, इथेनॉल एंड वाटर विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अरे भाई इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया ना अपने इस कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो ये फिर बॉइल करेंगे 351.1 केल्विन पे, ना इसका 351.1 केल्विन पे बॉइल होंगे, लाइक अ प्योर लिक्विड, वो एक इंडिविजुअल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, उन्हें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यूजुअली क्या होता था,
अगर आपने इथेनॉल और वाटर को इस कॉम्पोजिशन के हिसाब से नहीं लिया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है, इथेनॉल उबलेगा, वेपराइज हो जाएगा और फिर आप कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वाटर बॉयल होगा, वाटर को कलेक्ट कर लेंगे, यानी दोनों का बीपी अलग अलग है तो अलग अलग टेम्परेचर पे आपने उसे कलेक्ट किया। लेकिन अगर इस कॉम्पोजिशन में रखा है तो दोनों के दोनों 351.1 केल्विन पे बॉयल होके बाहर निकलेंगे और वो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेंगे। अब अगर एजियोट्रोप समझ में आ गया है आपको तो बता दूं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी दो होते हैं, पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं बच्चा, वो इंपॉर्टेंट है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप यानी कि दोनों मिक्सचर को मिक्स करने के बाद जब वो एक इंडिविजुअल एजियोट्रोप यानी प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, जैसे कि इस केस में हो रहा है। इथेनॉल बॉइल्स एट 351.3 केल्विन, वाटर बॉयल्स एट 373 केल्विन, लेकिन जो इनका कॉम्पोजिशन है एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन है वो 351.1 केल्विन पे बॉयल होता है, यानी कि वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, यस और नो? अच्छा ओके, अब इसका रिलेशन क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से? जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ का, और पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से हमें क्या पता चला था, ये जो ए बी इंटरैक्शन होता है दैट इज वीक, ध्यान से सुनिएगा, ए बी इंटरैक्शन इज वीक। अगर ए बी इंटरैक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर हाई होगा, है ना, वेपर प्रेशर विल बी हाई माय डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर हाई होगा। अच्छा जरा सोचिए, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से क्या कनेक्शन है? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्यों रे भाई, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से इनवर्सली इसलिए प्रोपोर्शनल है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फियरिक प्रेशर। क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब बीकर के अंदर का वेपर प्रेशर एटमोस्फियर के बाहर के वेपर पेशर से इक्वल हो जाए। अच्छा मतलब कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है उसके अंदर पानी है, ठीक है, आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो कब बॉइल होगा, जब अंदर का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है, ओके ठीक है। तो लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है तो आपको पता है वेपर प्रेशर हाई है। अच्छा अगर वेपर प्रेशर हाई है तो वो जल्दी जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा ना, इफ वेपर प्रेशर इज ऑलरेडी हाई वेरी सून इट विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कम टेम्परेचर पे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अगर कम टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ठीक है। तो हायर इज द वेपर प्रेशर लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई दे आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यस और नो? ओके यस। तो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन में आपने एग्जांपल किए थे वो सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आप डाल सकते हैं, क्लियर है? वैसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या दिखाते हैं आपको, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। क्यों ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो ए बी इंटरैक्शन है वो नया डेवलप है और वो स्ट्रांग है। अगर ए बी इंटरैक्शन स्ट्रांग होगा तो ऊपर का वेपर प्रेशर लो होगा, और अगर वेपर प्रेशर लो होगा तो इट विल टेक मोर टाइम फॉर वेपर प्रेशर टू बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर टेम्परेचर टू बिकम वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ज्यादा टेम्परेचर लगेगा यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कॉम्पोनेंट से कम होता है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों कॉम्पोनेंट से ज्यादा होता है। अब इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, वॉटर और HCl का, ये नेगेटिव डेविएशन का दे रही हूँ।
वॉटर एंड HCl है ना, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा, इसकी वजह से सारा नाटक होगा. सो यू नो दैट H2O boils at 373 Kelvin. Yes or no? Yes? Okay. H2O 373 or HCl 383? 373 Kelvin. ये 383 Kelvin. Mix करने के बाद ये एक pure liquid की तरह behave करेंगे. पर आपको पता है उसे एक particular composition में ही आपको mix करना होता है. तो composition याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे उसका. ठीक है, अगर आप HCl और वाटर का कॉम्पोजिशन लेते हैं जिसमें HCl जो है 20.3% बाय मास है. ठीक है, और आपको अच्छे से पता है HCl 183 केल्विन पे बॉइल होता है, 183 या 181. ठीक है, वाटर 383 पे बॉइल होता है, लेकिन क्योंकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी ये 373 है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है 373, तो दोनों बॉइल होंगे 383 केल्विन पे और एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे अगर 20.3% बाय मास का कॉम्पोजिशन लिया है आपने तो. आई होप यू आर क्लियर. Higher is the vapor pressure, lower is the boiling point. Positive deviation shown by minimum boiling azeotrope. Negative deviation shown by maximum boiling azeotrope. Ethanol water, example of positive deviation. HCl water, example of negative deviation. Composition, 95.5% by mass of ethanol. HCl water ka composition, 20.3% by mass. Okay. Temperature yaad rakh lijiye for example. And that's how we finish this topic. ओके, सो एजियोट्रोप खत्म हो गया. आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना ही चाहिए. दो बार लिखिए, तीन बार लिखिए, जितनी बार लिखना लिखिए, लिख के इसको एकदम कंफर्म कीजिए. ठीक है, जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना फ़ायदा होगा आपको माय डियर स्टूडेंट्स. सो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.